हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंदना एंड गोविंद। मैं गोविंद और मैं वंदना, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम सुबह सुबह जा रहे हैं वृंदावन। सो वंदना एंड मैं जा रहे हैं बिकॉज बाबू अभी छोटी है और फैमिली के और मेंबर्स भी अभी साथ जाने सकते बिकॉज पापा घर पे है नहीं, सो मम्मी है। सो आज हम जा रहे हैं मथुरा एंड वृंदावन और पूरा दिन आज एक्सप्लोर करेंगे बिकॉज सिर्फ और सिर्फ एक दिन का ट्रिप रहने वाला है और शाम तक बेसिकली हमें घर आना है बिकॉज बाबू छोटी है तो हमें घर पे जल्दी पहुंचना है। सो आप सभी हमारे साथ चलिए वृंदावन और दर्शन करके बाके बिहारी जी के। सो वी आर रेडी और सुबह के 4 बजे हम उड़ गए थे। सो नहा धो के बिल्कुल रेडी हैं, कपड़े पहन लिए। सो सुबह सुबह के 5 बज रहे हैं और बाबू रेडी है हमारे साथ चलने के लिए जबकि इसको लेके नहीं जाने वाले हम, फिर भी रेडी है, तैयार बैठी है मम्मी की गोदी में। देखो कैसे तैयार बैठी, बिल्कुल लेके नहीं जाएंगे तेरे को। बाय 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 कर दे, कर दे पापा को बाय कर। नमस्ते मैं, नमस्ते, चल बाय। आ रहे हैं, शाम को आते हैं। बाय सागर, बाय बाय ज्योति। रात हो रही है काफी, देखो, और रात की अंधेरे में हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है। सो बने रहेगा हमारे इस व्लॉग पे और आज आपको दर्शन जरूर कराएंगे। सो गाइज, अब हम जा रहे हैं यहाँ से उबर वाली ऑटो में बिकॉज हम यहाँ से मेट्रो स्टेशन जाएंगे और 10-15 मिनट वहाँ पे टाइम लग जाएगा और थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है, जल्दी हमने पहुँचना है। सो उबर हमने करी है 150 रुपये में, मतलब वो ऑटो आएगा उबर ऑटो। सो कम पैसों में जल्दी से हमने पहुँचना है वृंदावन और बने रही है हमारे इस व्लॉग में। उबर ऑटो आ चुका है, चलो बैठो अंदर। चलिए भैया, जय श्री राम। तो गाइस फाइनली वी आर रीच एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और जस्ट इन 25 मिनट्स हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। और अगर हम मेट्रो से आते हैं लगभग हमें 40 मिनट लगते हैं और प्लस ऊपर चढ़ना नीचे चढ़ना वो टाइम अलग है। मेट्रो का जो टाइमिंग था वहाँ से तो लगभग 40 मिनट का था और अभी हम ऑटो से लगभग 25 मिनट में पहुंच गए कम से कम। तो अब जल्दी से, हाँ बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे, अभी आपको दिखा देता हूँ मैं। और अभी हमने ट्रेन की टिकट भी बुक करनी है बिकॉज हमने रिजर्वेशन नहीं कर रखी थी। तो जल्दी से सडन प्लान बनाए तो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से चलते हैं अंदर और आपको थोड़ा सा मैं रश दिखाता हूँ कितना रश हो रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश हो रहा है और ये लाइन में लगे हुए हैं। बहुत ही कम रश है यहाँ पर, तो टिकट काउंटर पे 6:40 हो चुके हैं और हमारी 6:58 की ट्रेन है। तो अभी हमें टिकट बुक करने के लिए था तो डायरेक्ट टिकट नहीं मिल रही है यहाँ पे, तो उन्होंने बोला टीटी के पास जाना है हमें डायरेक्ट जब हम ट्रेन में चढ़ चुके होंगे, तो वो लोग वही टीटी ही हमारे डायरेक्ट टिकट बुक करेंगे। तो ये इमरजेंसी का नुकसान ये चीज़ होती है कि हमें जल्दी जल्दी ट्रेनें नहीं मिलेंगी या बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। बहुत ही बड़े ब्लॉगर हैं और टिकट नहीं लिया है और ना टीटियां आएगा, तो हम दोनों ऐसे बैठ गए हैं सीट पर, ऐसे सीट पर बैठ गए हैं और देखते हैं आगे क्या होगा। ये सब इनकी लापरवाही है, लापरवाही। इनको पहले ही बोला था टिकट ले लो नहीं तो बस से चलो, बट बस से भी चले और आके बैठ गए हैं बस। अब देखते हैं आगे क्या होगा। हम बैठ, आज मैं पहली बार जिंदगी में बिना टिकट के सफर कर रही हूँ वो भी इस आदमी के चक्कर में। मैं भी लिया गया नहीं फिर पहले, मुझे पता नहीं अचानक से प्लान बन जाएगा। अचानक से इतने दिन से बोली थी तुमने लेके गया, आज अचानक ही बोल दिया चलने के लिए। अचानक ही प्लान बनता है, भगवान अचानक ही बुलाते हैं। हाँ चलो चलते हैं फिर, घूमो अभी हमारे साथ और देखते क्या होगा। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं मथुरा, अभी टिकट ले लिया, अभी देखो आगे। आराम से बोला, आराम से बाहर देखने के लिए बिना टिकट की सवारी करके। अभी वैसे आखिरी जंग जो है वो रोड की, मतलब बाहर एग्जिट होने की है, आखिरी जंग बाहर निकलने की। तो गाइस फाइनली हम मथुरा जंक्शन पहुंच चुके हैं, काफी अच्छा लग रहा है और वो बिना टिकट के।
बहुत खतरनाक लग रहा है, बड़ा खतरनाक सा लगा भाई। मतलब मैं तो आपको सजेशन दूंगा भाई, ना भाई ऐसा मत करना कभी भी गलती से। ये हमसे गलती हो गई कि हमने टिकट नहीं ली, गलती नहीं, मतलब टिकट कोई आया नहीं था। नहीं रिजर्वेशन मतलब पहले हमने रिजर्वेशन नहीं की, सबसे पहले तो हमें रिजर्वेशन कर लेना चाहिए था, बट हमने रिजर्वेशन नहीं की थी, इस वजह से ये हमारी फर्स्ट गलती थी। और टीटी नहीं आया, टीटी नहीं आई, टीटी गलती थी हमारी, गलती बाद में नहीं थी, क्योंकि हम गए थे टिकट काउंटर में टिकट लेने के लिए, पर उन्होंने बोला था कि अपने आप ही हमें आगे कौन सो, उन्होंने हमें बोला था कि टीटी काटेगा टिकट, पर टीटी आया नहीं था। सो फाइनली हम पहुंच गए, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी डर लगा था रास्ते में, बट अगर अगर आपने टिकट ले रखी है, अगर आपने टिकट ले रखी हो या टिकट मतलब लेने का सोच रहे हैं तो ट्रेन की टिकट ले रहे हैं, बहुत अच्छा सफर था, बहुत शांति से और आराम से, काफी कंफर्टेबल था और अच्छा था। हाँ ताज एक्सप्रेस था, मॉर्निंग में लगभग 7 बजे की ट्रेन थी दिल्ली से, और यहाँ पे 9 बजे पहुँच चुके हैं, तो 2 घंटे के अंदर अंदर छोड़ दिया उन्होंने। तो गाइज यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो पूछ रहे हैं कि यहाँ से ऑटो या कैब वगैरह, सो अगर आपको किसी को फैमिली हो साथ में तो आप कैब वगैरह करके जा सकते हैं यहाँ से वृंदावन का टूर वगैरह करने के लिए प्रॉपर। पता मैं जाना है कहां, बट अभी हम इंजॉय करने जाते हैं, नहीं वृंदावन जाना, बाकी बैरीज कौन बंद पे मंद। तो गाइस अभी हमने यहां के एक लोकल से पूछा तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले हम यहां पे गोवर्धन जाएं, वहां पे परिक्रमा करें, उसके बाद हम वृंदावन वगैरह घूमें। तो गाइस अभी हमने यहां पे एक लोकल से पूछा तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले हम गोवर्धन जाएं, वहां पे परिक्रमा करें और उसके बाद वृंदावन घूमें। सो अभी हम जा रहे हैं पहले गोवर्धन। अरे इसको भी याद होना चाहिए ना, इसलिए मैंने पूछ लिया। अच्छा। सो अभी हम जा रहे हैं गोवर्धन, सो सबसे पहले आपको गोवर्धन के दर्शन कराते हैं, चलो स्टार्ट कर। तो दोस्तों अभी हमने पूछा गोवर्धन का किराया, तो ऑटो वाला बोल रहा है 400 रुपये। 400 रुपये में तो दिल्ली से हम यहाँ भी नहीं पहुँचे अभी तक, 400 रुपये तक खर्च भी नहीं हुए भाई साहब, ये तो कतई सीन हो गया। चलो पता करते हैं आगे। और तो फाइनली गाइस हम गोवर्धन पर्वत पहुँच चुके हैं, हमारा पोपट हो गया, हमें पहले जाना था जन्मभूमि जो हम नहीं गए, हम आ गए गोवर्धन पर्वत, और यहाँ पर भी हमें किराया बहुत ज़्यादा लिया गया, तो अब हम आ गए फाइनली पूछते पूछते, फर्स्ट टाइम इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो चलिए आप भी दर्शन करिए हमारे साथ गोवर्धन पर्वत के। किराया ज़्यादा लेने से मतलब ये है कि बेसिकली वहाँ से यहाँ का टिकट था वो लगभग 30 रुपये था और उन्होंने हमसे 40 रुपये लिए, तो गलत बात है, वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि तीर्थस्थलों पे ऐसे काम होते हैं, गलत बात है, नहीं होना चाहिए। गाइस ये रास्ता है, हम पैदल जा रहे हैं, सो अगर आपको कुछ परचेज करना हो तो यहाँ से रास्ते से कर सकते हैं, यहाँ पे सारा आइटम आपको मिल जाता है, देखिए ऐसे ही। हाँ पूजा ही, पूजा का जितना भी सामान है ऑलमोस्ट सारा मिल जाता है आपको यहाँ पे। सो गाइस असली भक्ति है, देखो ऐसे करते हैं परिक्रमा, पहुंच चुके हैं और इन्होंने प्रसाद ले लिया है। नहीं नहीं यही है, हाँ अभी भी कंफ्यूज है कि हम आए कहाँ हैं, इनको अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है। दो नीचे राधे राधे, चलो ना नीचे, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्या है गोभी है, क्या है गोभी है, अभी तो बताया उन्होंने बलक्कर इंसान, ये कृष्ण भगवान ने खुद खोदे थे बोल रहे हैं, और कभी घटती नहीं है कभी बढ़ती नहीं है, घटती नहीं कभी बढ़ती नहीं है, तो बड़ा अच्छा दर्शन करने में बड़ा अच्छा लगा, आप भी दर्शन कीजिए आइए। अभी भी ये कंफ्यूज है कि हम सही जगह पहुंचे कि नहीं पहुंचे, पूछ लिया 2-3 बार पूछ लिया है, ये बोल रहे यही गोवर्धन मंदिर का मतलब है, गोवर्धन मंदिर यही है, गौ माता यहाँ पे खड़ी है। Oh,
यहाँ पे स्नान कर सकते हैं पुरुष घाट और यहाँ पे महिला घाट, तो यहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है इन सामने, आप देखिए काफ़ी अच्छा दृश्य है। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा, मन को शांति मिली, काफ़ी अच्छा है यहाँ का वातावरण। एक चीज़ मुझे यहाँ की भी कुछ खराब लगी, पहली बार यहाँ पे अंदर जब मैं गया तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि पहले प्रसाद मतलब पे करो, क्या था 251 रुपये का, आप पहले पर्चा काटो तो ही आपको प्रसाद मिलेगा खाने के लिए वहाँ पे अंदर। तो ये चीज़ें बड़ी गलत हो रही हैं इंडिया में, और यहाँ पे तो पता नहीं बाकी जगह क्या हो रहा है, पता नहीं यहाँ पे तो मुझे ये बड़ा गलत फील हो रहा है। हाँ तो पता नहीं, हमारी तो पहली यात्रा है जो तीर्थ स्थल पर है, तो भगवान करे सबका भला हो। और ऐसी बहुत सारी यात्राएं वैसे होंगी, अभी धीरे धीरे होंगी, घर वालों के साथ भी जाएंगे, बाबू को भी साथ लेके जाएंगे, तो जैसे जैसे आप सपोर्ट करेंगे वैसे वैसे आपको दर्शन मिलते जाएंगे, ठीक है। तो अभी का ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा आगे को, तो ये काफ़ी लंबा ब्लॉग ना हो जाए इसलिए ये यहीं पर ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे बोलने नहीं देते हैं, कोई नहीं, अगले ब्लॉग में बोलेंगे मैडम। तो अब हम जा रहे हैं वृंदावन, तो अगला ब्लॉग जरूर देखें वृंदावन का।